अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वक्त मैं हूँ नवाब शाह में और हूँ रेलवे स्टेशन पे। आज हम जा रहे हैं कराची। रहमान बाबा का मैंने टिकट बुक कराया और रिजर्वेशन नहीं हो रही थी क्योंकि सीटें फुल हैं, तो टिकट मिला है मुझे 450 रुपए का। गाड़ी तकरीबन 5 या 6 महीने पहुँच जाएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 है हमारा, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और 9:40 का टाइम था लेकिन 1 घंटा लेट है, तो 10:40 जो है वो अभी इसका राइट टाइम है। और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, जबकि ये हमारा सारा सामान है, हमारे पर्सनल बैग्स हैं। आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, टेम्परेचर आज चल रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म पे भी रश बढ़ रहा है। और बैठने बैठने के लिए तो मैं अपने बैग भी बैठ गया, तो अब टाइम कितना लगा दिया ट्रेन वहाँ से कराची का। पहले कभी सफ़र नहीं किया मैंने इस रूट के ऊपर, लोकल पंडी इस्लामाबाद अटक का सफ़र तो मैंने बहुत किया लेकिन इससे बाहर कभी सफ़र नहीं किया मैंने ट्रेन। देखते हैं कि सफ़र आज का कैसा रहता है। सामने एक भाई बैठे हैं जूते पॉलिश करने वाले, उनसे पूछते हैं फिर अपने जूते पॉलिश करा लेते हैं। आ जाओ कराची जी। हाँ कराची जाएंगे हम लोग। आजकल असल में है ना लॉकडाउन की वजह से बस नहीं चल रही ना, तो इसलिए हमने कहा ट्रेन पे चलते हैं। सामान उठा लिया, क्यों गाड़ी आ गई? गाड़ी तो आने दो। जूते हो गए पॉलिश। अभी इस वक्त गाड़ी हैदराबाद स्टेशन पर पहुंच चुकी है, 5 से 10 मिनट का स्टॉप है, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेते हैं और फिर गाड़ी में सवार होंगे। काफ़ी बिजी जंक्शन स्टेशन है और इसके भी 4 प्लेटफॉर्म हैं और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रश भी है, खाने पीने की चीज़ें भी स्टॉल बहुत ज़्यादा हैं। तो ओके, इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक। तो तकरीबन रास्ते में 5 स्टेशन आए थे, गाड़ी कहीं भी नहीं रुकी, वापशाह से चली है और हैदराबाद आके रुकी है। यहाँ के आगे आएगा कोटरी, आएगा एक बड़ा स्टेशन है कोटरी, वहाँ रुकी गाड़ी? गाड़ी नहीं रुकेगी। उसके बाद दरिया सिंह पार करके कोटरी आएगा। ठीक है, कोटरी का पुल बहुत मशहूर है। अच्छा, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, तकरीबन 120 साल पुराना। 120 साल पुराना, ठीक है, 120 साल पुराना पुल है। अच्छा, शाहकार है जो रेलवे का, उसमें आपको ये है कि उसके बाद कोई स्टेशन आएगा? उसके बाद फिर ये मेन जो है जंगशाही आता है। अच्छा, लेकिन वो कोई इतना बड़ा स्टेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर कराची आएगा।
चलो जी, ओके अल्लाह मिलके तो जाओ, ठीक है ना। चले जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, एहतियात रखिए इंशाल्लाह, ओके जी, अल्लाह ताला फिर अमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। ये सतर भाई उतर गए हैं लाडी स्टेशन पे, हम उतरेंगे डिंग रोड पे, अभी 5-6 मिनट शायद और ड्राइव है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, अभी हम कराची पहुंच चुके हैं, ड्रिग रोड स्टेशन था, यहाँ पर हमने उतरना था और तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र था, बहुत अच्छा रहा। एक घंटे के लिए मैं सो भी गया था, लेकिन ट्रेन का सफ़र आज भी बहुत अच्छा है और बहुत आरामदेह है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।